गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है आषाढ़ी एकादशी, तो आप सबको आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुहर्रम भी साथ में ही आया है इस बार, तो मुहर्रम की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जस्ट अभी मॉर्निंग हुई है और पूजा वगैरह मैंने निपटा दी है आज, क्योंकि जल्दी से उठी थी आज, तो जल्दी से सारे काम भी हो गए। बस अभी खाना वगैरह बाकी है और आर्यन और मैं ही है, दोनों ही हम खाना खाने वाले। विहान का तो कुछ अलग से बनाऊंगी, तो वही काम है अभी। बाकी तो सारे घर के काम जो होते हैं वो हो गए मेरे, तो अभी देखती हूँ क्या काम करती हूँ। और अभी हल्का फुल्का सा खाना बनाऊंगी, रात को सोचा है कि पोली वगैरह बनाऊँ, तो देखते हैं अभी। और मैंने आज ये वाला सूट पहना है, क्योंकि फेस्टिवल की कुछ वाइब्स आई, इसलिए ये वाला सूट मैंने पहना है। बहुत दिनों से पड़ा था, एक बार भी मैंने पहना नहीं, तो सोचा आज के दिन पहन लूँ। और यहाँ विहान को भी नीलाना वगैरह बाकी। हाय करो, हाय हाय करो, हाय। तो उसका अभी नया ही चल रहा है वॉकर, जब से निकाला है तब से वो वॉकर में ही खेल रहा है और उतर ही नहीं रहा है उसमें से। तो अभी बस कुछ खाना बनाती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और हस्बैंड को आज छुट्टी नहीं है, क्योंकि उनका ऑफिस का वर्क बाकी है, इसलिए वो गए हैं मॉर्निंग में। बस बच्चों को छुट्टी आज, आर्यन को भी छुट्टी है। और तो यहाँ आर्यन और मैं ही थे खाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना दाल और चपाती बना दूँ। तो मूंग की दाल जो रहती है सूखी वाली वो बनाऊंगी यहाँ, तो इसलिए वही तैयारी कर रही हूँ मैं। सूखी वाली जो मूंग की दाल होती है, थोड़ा सा पानी डाला है सिर्फ पकने के लिए, तो वो बना लूँगी। तो अभी ऑलमोस्ट थोड़ी सी पकने आई है, और आटा भी थोड़ा लगा लिया, इसको बाद में मैं स्मूथ कर लूँगी। 10 मिनट में मेरी सब्जी बन जाएंगी, फिर रोटी बना लूँगी गरम गरम। बस इतना काम करके बाद में जो मेरे घर की थोड़ी, मैंने आज सोचा है कि मेरे इयररिंग वगैरह जो है वो मैं अच्छे से सेट करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरे हैं। और कल मेरे से क्या हो गया, डब्बा नीचे ही गिर गया, जो मैंने बॉक्स ऑनलाइन मंगवाया था उसका डब्बा ही नीचे गिर गया, उसमें मैंने अच्छे से रखे हुए थे, तो सोचा है वो भी आज काम में कर। सुबह आप लोगों से बात करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, और मुझे कुर्ते में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए टी शर्ट वगैरह मैंने पहन लिया। और अभी बज रहे 4:30, तो मैंने पहले सोचा चाय वगैरह बना लूँ, चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं खाने के लिए तैयार करूँगी। क्योंकि आज मैंने सोचा है खाने में मैं पूरन पोली, कढ़ी चावल और थोड़ा ट्रेडिशनल खाना बनाऊँगी। हस्बैंड को तो पूरन पोली बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे, तो अभी देखती हूँ उनके लिए थोड़े चपाती जो रहती है वो बना दूँगी, और मेरे लिए पूरन पोली बनाऊँगी। क्योंकि अभी आम का जो सीज़न है वो ख़त्म ही होने आया है, और मैंने इस साल एक बार भी पूरन पोली खाई नहीं। और महाराष्ट्र में तो बनती रहती है, पर गुजरात में ज़्यादातर लोग जो पूरन पोली बनाते हो तुअर की बनाते हो, और मुझे तुअर की पसंद नहीं है। मुझे चने की दाल की जो पूरन पोली होती है वही पसंद है, तो अभी वही बनाऊंगी। तो रात का वही सोचा अभी मैंने, और आम जो है ख़त्म हो गए मेरे, तो हस्बैंड से मंगवा लूँगी आम। तो पूरन पोली मुझे बनाने का सोचा, पर कोई खाता तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा खीर पूरी बना दूँ, जो कि सब घर में खाएंगे, क्योंकि मैं अकेले खा के क्या करूँ, इतनी मेहनत करके फिर कोई नहीं खाया, तो इसलिए अभी खीर पूरी भज्जे और दाल बनाऊंगी थोड़ी सी, दाल नहीं तो आलू की सब्जी बनाऊंगी। मोबाइल उठे की मोबाइल देख रहा है तू, हाँ इधर देखो कैसे हंसता है, कैसे हंसता है। तो यहाँ मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ, और हर बार मैं थोड़े अलग स्टाइल में खीर बनाती हूँ, पर इस बार सोचा कुछ अलग बनाए। और यहाँ मैं चावल पहले तो अच्छे से धो लिए हैं, और उसको थोड़ा गीला जो सूखा कपड़ा होता है उस पर हमको सुखाना है 5-10 मिनट फैन के नीचे, फिर हमको इसको अच्छे से कढ़ाई में भून लेना है। और यहाँ मैं थोड़ा सा गलती हो गया कि पानी गिर गया था मेरे से, तो यहाँ मैं उसको अच्छे से भून लूँगी जब तक ये हल्के से लाइट
ब्राउन ना हो जाए तब तक हमको इसको भूनना है। और भूनने के बाद हमें क्या मिक्सर में इसको पीस लेंगे, जो कि ज़्यादा बारीक नहीं और ज़्यादा दरदरा भी नहीं, इस तरह से आपको पीस लेना है। और दूध यहाँ मैंने रख दिया है बॉयल रखने के लिए, बॉयल करने के लिए। और 1 लीटर दूध लिया था मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा खीर बनानी थी, क्योंकि एक दिन भी खाएंगे और दूसरे दिन भी हम लोग खाएंगे। तो यहाँ इसमें चावल वगैरह डाल दिया था जो कि मैंने पीसा था, और यहाँ ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैं उसको चॉपिंग कर ले रही हूँ, और आपके पसंदीदार जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इतने ड्राई फ्रूट्स डाले, और जो इलायची होती है वो भी मैंने इसमें डाली, जिससे कि अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा खीर को, तो इसीलिए। और यहाँ मेरी जो चावल है वो ऑलमोस्ट पकने ही आ गए अभी, तो इसमें मैं जो ड्राई फ्रूट्स काट करे थे वो तड़का दे दूँगी। और घी का तड़का देने से खीर बहुत अच्छी लगती है, तो एक छोटा सा पैन लेके उसमें मैंने घी डाला है 1 चम्मच। और 1 चम्मच डालने के बाद इसमें जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट किए थे वो डाल दिए हैं। और इस तरह से आप जब खीर बनाते हो, भून के ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हो, तो एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और टेस्टी खीर भी लगती है। ऑलमोस्ट बन गई, अभी ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भुने वो उसमें डाल दूंगी, नहीं तो वो भी अच्छे से पक जाएंगे और तड़का भी लग जाएगा घी का अच्छा सा। तो अभी डाल दिए मैंने, और इसमें शक्कर डालूंगी मैं। आधा खाना बन गया, आलू भी बॉईल कर लिया, बस आलू की सब्जी और आटा लगाना है मुझे पूरी का, तो वो कर लूंगी। और पपड़ वगैरह जो है बाद में गरम गरम ही करूंगी, नहीं तो हवा लग जाएंगे इसीलिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश गिरेगी। थोड़ा सा क्लाइमेट बारिश जैसे हो रहा है, फिर और भी धूप गिर रही है, पता नहीं क्लाइमेट का तो क्या ही हो रहा है। तो जो खाना वगैरह बनाना हो गया था मेरा, और यहाँ मैंने भगवान को भोग लगाया। और इस तरह से पूजा वगैरह करते त्यौहार के दिन तो बहुत प्रसन्न घर लगता है। और खाना में खाना भी बन गया था, तो हम खाने के लिए ही बैठे थे। और यहाँ मैंने दाल चावल पूरी और खीर ये सब बनाया था, और आलू का सब्जी और पापड़ भी बनाए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने आषाढ़ी एकादशी मनाई। और आई होप सो कि आपको आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।